भदोही खमरिया से निहाल अली पत्रकार की रिपोर्ट। खमरिया में लोगों ने दिखाई मेहंदी व दौड़ प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा। मेहंदी व दौड़ प्रतियोगिता में दिखाई प्रतिभा। खमरिया नगर में आयोजित मेहंदी व विभिन्न दूरी की दौड़ प्रतियोगिताओं में छात्राओं व खिलाड़ियों ने प्रतिभा दिखाई। मेहंदी प्रतियोगिता के ग्रुप एक में कोशिका मौर्या को प्रथम, पूजा कुमारी द्वितीय व कोमल सरोज को तृतीय स्थान मिला। ग्रुप बी में रीमा देवी, संजना व साक्षी को क्रमश प्रथम व तृतीय स्थान मिला। इसी तरह दौड़ प्रतियोगिता के बालिका वर्ग 200 मीटर दौड़ में काजल यादव गोपीगंज, काजल यादव वाराणसी व आराधना तथा 400 मीटर दौड़ में शिवानी पाल, वर्तिका व प्रतिमाने क्रमश प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान मिला। 1000 मीटर दौड़ में गौरव, विराट व शुभम तथा 2000 मीटर दौड़ में आकाश, आलोक व अवधेश ने क्रमशः प्रथम द्वितीय व स्थान हासिल किया। इसके आयोजन मुख्य अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष नंद कुमार मौर्य, ग्राम प्रधान मनोज वीरेंद्र मौर्य, ग्राम प्रधान फूलती देवी, मनोज बिंद सभासद, आशीष कुमार मौर्य, पवन कुमार मौर्य गोलू अध्यक्ष, अंकुश मौर्य विशाल उपाध्यक्ष, मुकेश मौर्य सचिव, सदीप मौर्य इवेंट मैनेजर, संजय यादव लपटो एकर, राहुल मौर्य एकर व अन्य थे। आइए जानते हैं ये खेल प्रतियोगिता में माननीय चेयरमैन साहब नंद कुमार मौर्य जी से आइए वार्ता कराते हैं। ये सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुकुंद पट की जनता को। ये कार्यक्रम लगभग ये पांचवा साल है और बहुत अच्छा है। उन लोगों ने साइकिल रेस का कार्यक्रम रखे हैं, दौड़ का रखे हैं और इस बार तो बहुत अच्छा कार्यक्रम इन्होंने किया कि बालक और बालिकाओं का भी रेस रखा 200 मीटर, 400 मीटर और 2 किलोमीटर का। ये बहुत अच्छा इन लोगों ने कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम के लिए मैं पूरी कमेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हमेशा से ये कार्यक्रम होता है, इन लोगों का कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसे कार्यक्रम को बार बार चाहूँगा कि लोग जनता करती रहे। आज लोगों की एक सोच बनी है कि पढ़ाई सबसे पहले, पढ़ाई उसके बाद स्वास्थ्य रहने के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ऐसे आयोजन खेलकूद का होता रहेगा, जैसे कभी दौड़ हुआ, कभी कबड्डी हुआ, कभी क्रिकेट हुआ, कभी वॉलीबॉल हुआ, ये कार्यक्रम लगभग खमरिया में ऐसा होता रहे तो हम ऐसे कार्यक्रम में हमेशा भाग लेते रहेंगे। और यहाँ के अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि ऐसे कार्यक्रम ये करते रहते हैं और ऐसे कार्यक्रम में सभी नगरवासी, हमारे जितने भी नगरवासी हैं सभी कुछ न कुछ सहयोग करते हैं, ये सब सहयोग से होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। न्यूज रिपोर्टर निहाल अंसारी, संवाददाता खमरिया, कुछ पूछना चाहेंगे उसमें माइक में। जी, आपका परिचय सर। जी, मैं वीरेंद्र मौर्य हूँ, ग्राम प्रधान मनोवा जो मिर्जापुर जिले पड़ता है। जैसे कि खेल मैदान की आज व्यवस्था है। जी जी, अभी प्रतियोगिता वालों का जो घोषणा नहीं हुआ है, वेट किया जा रहा है रिजल्ट का, हम लोग इसी इंतजार में बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी। एक्चुअली क्या है प्रधान जी की जो प्रतिभागी लड़कियां थी, दो लड़कियां वो काफ़ी घायल हो चुकी थी तो उन्हें एम्बुलेंस से इलाज के लिए ले गया गया था तो उन्हीं का इंतजार किया जाता था जिसकी जानकारी हमें नहीं प्राप्त थी। अभी हमें जानकारी प्राप्त हुआ ही थी तो वो अब आ गई है जिसका इंतजार हमें था। तो जो भी प्रोत्साहन का कार्यक्रम है कुछ ही क्षणों में हम उसको गजट करेंगे। तो मुकेश जी, हम आपसे ये जानकारी देख रहे हैं
लड़े। आप देख रहे हैं अल्पायन एक्सप्रेस खमरिया भदोही सिन्हाल की पत्रकार की रिपोर्ट, जो कि आज खमरिया में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आइए वार्ता कराते हैं मैम लोग से। आपका परिचय? अभी तो चयन नहीं हुआ है, रिजल्ट आना बाकी है, पर सभी कंटेस्टेंट अच्छे रहे और शुभकामना सबके प्रति। सब कुछ अच्छा रहा, सभी का अच्छा था, अच्छा लगा खमरिया में पहली बार। जैसे पहली बार प्रतियोगिता हुआ, मेहंदी का प्रतियोगिता हुआ, तो इसमें कैसा? बहुत अच्छा, सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। कार्यकर्ता लोग का वैसे है, कार्यकर्ता लोग का वैसे है। अरे बोले, हाँ हाँ बोलिए बोलिए वाइट बोले। चलो पूछिए पूछिए, जिसे जानते हैं कि मेहंदी प्रतियोगिता का इनका वर्तमान कैसा चीज चला, कैसा इनको लगा कि हर साल ये हर कार्यक्रम में शामिल रहते हैं, चाहे कोई भी खेल कूद का कार्यक्रम हो, इनका योगदान बहुत अच्छी तरह रहता है। आइए उनसे वार्ता कराते हैं। इनके धन्यवाद सर, आपका पहले मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं मुकेश मौर्य, आपको मैं बताऊँ कि हम लोग ऐसा काम करते हैं जिसमें बालिकाओं को एक अच्छा मौका मिले ताकि अपने हुनर को दिखा सकें आगे करके, क्योंकि आज का जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसको लोग सार्थक रूप से यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी प्रतिभाएँ छुपी हैं हमारे गाँव के क्षेत्र में, उनको आगे लाने का एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों ने दौड़ में भी देखा, महिलाएँ उसमें सम्मिलित की हैं, दूर दराज से आकर के जौनपुर इलाहाबाद गाजीपुर की यहाँ पर लड़कियाँ सम्मिलित हुई हैं। और हम लोग का एक संगठन चलता है युवा शक्ति वृद्ध विचार, जिसमें हम लोग युवाओं से शक्ति लेते हैं और बुजुर्गों से विचार लेते हैं, इस ट्रैक पर हमको कार्य करना पड़े, जिसमें अनिल सर हमारे अनिल साहब जो ग्रुप के अध्यक्ष हैं और सब लोग ग्रुप में बना करके काम करते हैं। आइए हमारी ये माननीय अनिल जी हैं, आइए अनिल जी से भी कुछ जानते हैं इस खेल के आयोजन में और प्रतियोगिता में उनकी क्या भावी है और क्या चीज विचार। बहुत बहुत धन्यवाद पूछने के लिए। मैं आपको बता दूं कि ये दौड़ विगत 4 वर्षों से चला रहा है, इस बार ये 5वां वर्ष था। इस बार हम लोगों की प्लानिंग थी कि इस कार्यक्रम को बहुत भव्य कराया जाए, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है खेल कूद का, ये हमारे खमरिया में एक ही होता है, तो हम लोग इसको बहुत बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं। और हमारी जो संस्था है युवा शक्ति वृद्ध विचार, उसको हम लोग को बहुत ऊपर लेकर जाना है और हम लोग हर खेल कूद में सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं युवा शक्ति वृद्ध विचार, इसमें हम लोग युवाओं की जो होती शक्ति होती है और बुजुर्गों से विचार लेते हैं कि हमें किस राह पर चलना है, कौन सा डायरेक्शन सही है गलत है। धन्यवाद।